से खबर है, फार्म हाउस में घुसा पैंथर ट्रैंक्विलाइज हुआ है। वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर अशोक तंवर ने ट्रैंक्विलाइज कर लिया है। आगरा रोड पर एक फार्म हाउस में टॉयलेट में पैंथर घुस गया था। रेस्क्यू किए गए पैंथर के दाएं पैर का पंजा बुरी तरह से जख्मी बताया जा रहा है। पैंथर के दाएं पैर में पुराने घाव में कीड़े पड़ गए हैं और पैंथर के जख्मी पैर के इलाज के लिए प्रयास अब किए जाएंगे। हालांकि जख्मी पंजे की चिकित्सकों के अनुसार बहुत बुरी स्थिति है और रेस्क्यू किए गए नए पैंथर की उम्र करीब 6 साल बताई जा रही है और ये वो जगह बता रहे हैं जहां पर ये पैंथर घुस गया था। अब हालांकि उसको ट्रैंक्विलाइज करके और सही भी किया जाएगा क्योंकि एक पैर उसका जख्मी बताया जा रहा है। निर्मल तिवारी हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, क्या कुछ जानकारी? देखिए मेगा, आज एक सूचना मिली थी फार्म हाउस आगरा रोड पे जो जयसिंहपुरा खोर्स का जो क्षेत्र है वहां से सूचना मिली कि एक फार्म हाउस में पैंथर घुस गया है। फार्म हाउस के मालिक राहुल जैन ने वन विभाग को इसकी इत्तला दी। उसके बाद जो उप वन संरक्षक हैं कपिल चंद्रावल, ACF नगवीर मीणा और जनेश्वर चौधरी जो रेंज अधिकारी, उन्होंने तुरंत मौके पर टीम को भेजा। वहां देखा तो फार्म हाउस का जो टॉयलेट था, टॉयलेट के अंदर उसको अंदर घुस गया था पैंथर। तो उसके बाद मालिक ने, वहाँ के जो कर्मचारी थे, उन्होंने टॉयलेट का जो दरवाजा था उसको बंद कर दिया। ऐसे में आसान ये बात हो गई थी कि इसको ट्रैंक्विलाइज आसानी से किया जाए, कर दिया जाएगा। उसके बाद डॉक्टर अशोक तंवर जो है वरिष्ठ पशु चिकित्सक वहां पहुंचे, उन्होंने ट्रैंक्विलाइज किया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही कि ये जो पैंथर है जिसको ट्रैंक्विलाइज किया गया, इसका जो दाएं पैर का पंजा है वो पूरी तरह सड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे काफी दिनों से उसमें मैगट्स पड़ गए थे, कीड़े पड़ गए थे और इसी बेचैनी में शायद ये पैंथर उस टॉयलेट में गया। आशंका इस बात की व्यक्त की जा रही है कि जिस तरह के पंजे के जो हालात है कि कहीं वो किसी या तो टेरिटोरियल फाइट की वजह से उसका ये पैर घायल हुआ, या हो सकता है आसपास कोई फंदा किसी ने लगाया और फंदे में उसका पैर उलझ गया। उसके बाद उसने कड़ी मशक्कत से पैर को अपने को वहां से छुड़ाया और उसके बाद उसमें कीड़े पड़े। तो ये निश्चित तौर पर निगरानी बढ़ाने की स्थिति है क्योंकि जिस तरह से झालाना, उसके बाद आमागढ़ और ये जो पूरा अचरोल और नारगढ़ का जो क्षेत्र है यहाँ पर काफी पैंथर का विचरण है। तो जैसे जैसे पैंथर की संख्या बढ़ रही है तो सर्विलांस भी बढ़ाना होगा, जो इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। फिलहाल इस बात को जो वरिष्ठ अधिकारी, उन्होंने कहा कि इसकी जांच की जाएगी कि उसके पैर में इस हालत में कैसे उसका पैर पहुंचा। फिलहाल उसका इलाज जारी है नारगढ़ रेस्क्यू सेंटर में, लेकिन ये तय हो गया जिस तरह की उसके पैर की हालत है कि अब वो कभी वाइल्ड में नहीं रह सकेगा, यानी उसको या तो जू में या रेस्क्यू सेंटर में रखा जाएगा। फिलहाल अच्छी बात ये रही कि उसको रेस्क्यू कर लिया गया, उसका इलाज जारी है और उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी इस पैंथर का पैर भी ठीक। बिल्कुल निर्मल जी, जैसा आप बता रहे हैं कि पैर बहुत जख्मी है, तो क्या ऑब्जर्वेशन में एक लंबी टाइम के लिए रखना पड़ेगा और उसके बाद क्या जू में या फिर यहीं शिफ्टिंग की जाएगी इसकी? निश्चित तौर पर देखिए, जब उसको आज ट्रैंक्विलाइज किया उसके साथ ही इलाज कर दिया गया, क्योंकि पैंथर या किसी भी ऐसे प्रेडेटर का इलाज करने के लिए उसको बार बार ट्रैंक्विलाइज नहीं किया जा सकता। तो जब वो बेहोशी की हालत में तभी उसको इलाज दे दिया गया, उसकी सर्जरी की गई है। लेकिन जिस तरह के घाव के हालात है उसके, ऐसा लग रहा है कि कुछ दिन निगरानी में रहेगा और अगर उसका पैर पूरी तरह ठीक हो पाए तभी उसको वाइल्ड में छोड़ा जाएगा, जिसकी संभावना बहुत कम है। तो ऐसे में इसको अपना जो शेष जीवन में वो जू में या रेस्क्यू सेंटर में गुजारना पड़ेगा। लेकिन इस बात के लिए ताकीद रहना पड़ेगा इस बात को कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। आसपास अगर फंदे वाली अगर स्थिति है तो निश्चित तौर पर निगरानी बनाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी पूरी जानकारी के लिए।